तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। फिर से आज का डेट है 24 जून और मेरी बाबू वापस आ गई। इसी के बिना बहुत सूना लग रहा था। अब देखिए आते ही शुरू हो गई है हल्ला करना। इतनी कल नहीं थी ना, तो एक रात में इतना इसको हम लोगों ने मिस किया है, मैं क्या बताऊँ। इसके बिना बहुत याद आया मेरा कटोरी। लेकिन आज तो दिल्ली चली जाएगी, अब पता नहीं कितने महीनों बाद आएगी वापस। आ जाओ, वाह हंस रही है लड्डू। आ ले 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 मेरा प्यारा, तुम कितना प्यारा हो भाई, तुम कितना प्यारा हो। गाइस ये देखिए, ये बहुत क्यूट है, बहुत। ले 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 कल इतना खराब लग रहा था कि कोई दौड़ने वाला नहीं था। तो गाइस दीदी आई है, आज जा रही है, इसीलिए आज वो ये सब्जी आलू की और परवल की सब्जी, हलवाई की और पूरी। मम्मी आज खाना नहीं बनाई है। ये हलवाई वाली सब्जी है और ये गर्मा गर्म पूरी है। गाइस ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये आलू और परवल का सब्जी और यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया गरम गरम पूरी मुलायम मुलायम। और एक और चीज़ है बुनिया। तो गाइस ये देखिए पूरी, मैं पेपर वाले प्लेट में इसलिए खा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ऑथेंटिक फील आए, क्योंकि मैं हलवाई वाली है ना इसलिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे अब मैं खाने के लिए तैयार हूँ। और पूरी सब्जी और ये सब बुनिया बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी और खाने में भी टेस्टी था। एक बार और बता दूँ, ये पांचवे ब्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि ये ब्लॉग मैं एक महीने बाद एडिट कर रहा हूँ, तो मेरे को डेट उट कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, मैं टेस्ट भी भूल ही गया हूँ वैसे, अच्छा अच्छा बस कह देता हूँ ऐसे ही। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ लेकिन यही बताना चाहता हूँ मैं बस कि आखिरी व्लॉग है ये, बाबू व्लॉग पार्ट 5, ये लास्ट है। अब अगला व्लॉग कुछ और आने वाला है, मेरे को पता है, लेकिन अभी मैं बताऊँगा नहीं क्या है वो। तो अभी आप लोग ये देखिए पूरी दुनिया पूरी सब्जी बहुत ही मस्त लग रहा है, खाने में भी और दिखने में भी। गाइस चावल और दाल मम्मी ने घर पे ही बनाया था, बस पूरी सब्जी बाहर से आया है, मतलब हलवाई वाला। ये देखिए अभी दाल आ रहा है, फिर मैं दाल चावल और ये सब्जी खाऊंगा। तो गाइस ये देखिए दाल चावल घी और ये सब्जी, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो ये देखिए, और मेरा वेट वापस से बढ़ चुका है 75, बस 5 किलो और वापस 80 में। इतने मेहनत से वेट लॉस किया और बढ़ गया। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बाबू का रोज का आदत था, जितने दिन यहाँ पे रही है उतने दिन बाबू अंदर छुप जाती थी, बैठ के अंदर बैठ जाती थी चुपचाप। अरे दादा, अरे हम तो खबर हुआ पापा, ये पापा बोल लो ना, पापा के ना बोल लो हो अगला। बोलो 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 बोलो। तो गाइस ये देखिए अभी मैं खा रहा हूँ जलेबी, पूरी सब्जी बुनी और जलेबी भी आया था, जो कि जलेबी मैंने नहीं दिखा पाई है, देखिए। तो गाइस अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और अभी कार में बैठे हैं, बाबू को स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, हम सब लोग साथ में मिलके स्टेशन पे दीदी को और बाबू को छोड़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए, ट्रेन में भी बैठ गए हैं, अभी ट्रेन खुलने में अभी टाइम है, तब तक हम लोग ट्रेन में ही बैठे हैं सभी लोग, और ट्रेन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और क्यूटी पाई को बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना खेल रही है ट्रेन में भी आके। ये देखिए
ये देखिए गाइस, तो वही है बस। अब ट्रेन भी खुलेगी थोड़ी देर में, तब हम लोग अब नीचे उतरने वाले हैं। अब बस बाय कर देंगे बाबू को। आ रहे थे ना हम लोग तो बाबू टाटा कर रही थी। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं बाबू को स्टेशन पे छोड़ के। 8 बज गया, 1 बजे कहीं गए गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा कितना दूर स्टेशन था, तो हम लोग यहाँ वाले स्टेशन पे नहीं गए थे, किसी दूसरे स्टेशन दूसरे जगह के स्टेशन पे गए थे बाबू को छोड़ने, क्योंकि यहाँ के स्टेशन का ट्रेन ही मैंने दिल्ली जाने वाला, इसीलिए तो वही गए थे पूरा। मैं तो थक गया पूरा, सिर ही दर्द होने लगा, क्योंकि कार में बैठने पर मेरा तो सिर ही दर्द होने लगता है, बुखार जैसा फील हो जाता है। कोई बात नहीं, अब ठीक है, घर पे आके अब थोड़ा आराम किया, अब ठीक लग रहा है। उधर ही से हम लोग आए तो होटल से खाना लेके आए हैं, बिकॉज अब मम्मी तो खाना बनाती नहीं, थकी हैं तो वही मम्मी तो वही होटल से खाना लेके आए हैं। चिकन एक नवाबी है, एक बटर चिकन है, और बटर नान, बटर रोटी, 4 चीज़ें हैं ये सब। मैं शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा ना, वो ऐसे वाला 15 सेकंड वाला, तो वही बनाऊंगा, तो उसी में मैं दिखा दूंगा और पीछे से वॉइस ओवर कर दूंगा। पूरा खाते समय मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज अब मैं खाना एंजॉय करना चाहता हूँ, ज़्यादा देर अब मैं बकबक नहीं करना चाहता। ओके, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड भी कर देता हूँ, क्योंकि अब खाना होना तो दिखा ही लूँगा, उसके बाद क्या है बची जाएगा। आज का दिन ख़त्म, बाबू चली गई। अब आपको बाबू पता नहीं कितने महीनों बाद ब्लॉग में दिखने वाली है, क्योंकि राखी ये इन सब में तो वो नहीं आने वाली है। अब क्या पता दिवाली के टाइम आए, तो बस बाबू की लेकिन बड़ी याद आ रही है, उसको छोड़ते समय वो टा 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 ऐसे ही कर रही थी ट्रेन में से ही, हम लोग जब आने लगे उसको छोड़ के, और खिड़की पे भी जब ना हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे टा 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 टा, तो आ आ चिल्ला चिल्ला के वो ऐसे ऐसे टा 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 कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसको बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं है, क्या करें, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना उसको। जीजू बुलाने लगे कि आओ आओ, तो क्या करे, वो भी तो जाना ही पड़ेगा उसको, जीजू बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। अब आने वाले जो भी है वो आएगी अगले, जब भी वो महीनों में तो मैं मिलाऊँ, तब तक तो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, और अब बोलने क्या पता बोलने ही लगे अच्छे से। तो बस इसी के साथ ब्लॉग पॉइंट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स। अब बाबू चली गए, अब मैं ब्लॉगिंग वापस से पहले जैसे अच्छे से शुरू करने वाला हूँ, मतलब कि अब आजकल मैं ब्लॉग कैसे कर रहा था कि बस कुछ भी दिखा दे रहा था और पीछे से वॉइस ओवर कर दे रहा था, अब वैसे नहीं होने वाला है। अब मैं आगे अच्छे से ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही अच्छे ब्लॉग्स, ठीक है, बस बाय। तो गाइज़ यहाँ पे 4 चीज़ें नहीं 5 चीज़ें आई थी, ये बिरयानी भी आया था दीदी के लिए बिरयानी, बिकॉज़ दीदी को चिकन बिरयानी पसंद है। तो अब ये देखिए, ये है चिकन नवाबी, चिकन नवाबी गाइज, इसका स्वाद मेरे को 1 महीने बाद भी याद है, क्योंकि ये सब इतनी मस्त चीज़ें थी ना कि मैं क्या बताऊँ, खा के लिटरली दिल खुश हो गया था। और ये है बटर चिकन, बटर चिकन जैसा कि अरे हाय मेरे मुंह में से पानी आ रहा है गाइस, मैं क्यों वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्यों ये देख रहा हूँ वीडियो। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा था, दोनों का ही दोनों मस्त गजब के डिशेस थे, और मेरे सामने ही दीदी और मम्मी भी बैठ के खाना खा रही हैं। मैंने ब्लॉग जैसे कि कहा कि मैं ब्लॉग नहीं करूँगा, तो ब्लॉग तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए ये सब मैंने दिखाया, तो वही मैं ऐड करती हूँ। और पीछे से तो अभी जैसा कि देख सकते हो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो वही है, तो बस गाइस यही है। अरे चावल के साथ भी मैं खा रहा हूँ, चावल भी बड़ा गजब का था, चावल के साथ भी खाने में बड़ा मज़ा आया, चावल घर का ही था, बाकी सब कुछ होटल का था, रोटी नान जब जो भी था। ये देखिए गाइस मस्त, तो बस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।